हम लोग एक चीज लेके आया है आज, स्मेल बोलता है उसको, आज उसको खाएगा हम लोग, ऐसे खाएगा उसको, उसको खाने में आंखों का रोशनी आता है गाइस। ये हम लोग का असम में बहुत कुछ मिलता है, नदी में पानी में मिलता है ये, आज इसको खाएगा हम लोग। ये है स्मेल, आज उसको काट के पूरा तैयारी करके लेके आया है बाजार से, अभी उसको काटेगा और खाएगा। आप लोग देखते रहिए दोस्तों, इसको पहले इसका ढक्कन निकलना पड़ता है और उसके बाद पीछे वाला हिस्सा इसको काट के ऐसे ऐसे काट के ऐसे काट के खाना पड़ता है, बना के पूरा खाएगा उसको। अभी देखिए दोस्तों, इसको ये मतलब हो गया, अभी ये होने के बाद बनाएगा, अभी पूरा बाकी है, ये सब काट के आराम से काट के हम लोग खाएगा। आप लोग देखते रहिए, हम लोग इसको असम में वो खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, सब लोग खाता है ये, हम लोगों का ये मतलब बहुत प्रिय खाना है ये। तो इसे काट रहा हूँ, अभी उसको काट के बना के खाएगा, बहुत स्वादिष्ट होगा, आप लोग देखते रहिए। চাপা করা হয়ে গেল আমার, এটা কি করবি, এক থুবি না इसको अभी साफ करेगा। हां पूरा पूरा इसको साफ करके बनाएगा, अभी बनाएगा। अभी जो यहां में लगा हुआ है ना, ये गंदा गंदा शीश, ये पानी का दाग है, ये पानी का दाग को मिटाने के लिए अभी उसको क्या करना पड़ेगा, आप लोग देखते रहिए। हम अभी कर रहा है, इधर पानी चल रहा है धीरे धीरे, तेल में पानी चल रहा है, उसको ऐसे साफ करना पड़ेगा, ऐसे साफ करके पूरा साफ हो जाएगा ना, कितना गंदा था अभी कितना साफ हो गया, अभी पूरा चमक रहा है उसका, ये देखिएगा पूरा चमक रहा है। अभी उसको कैसे खाएगा, कैसे बनाएगा, आप लोग सोच रहे हैं ना, अभी देखिए हम लोग दिखाएगा पूरा कैसे खाना है, कैसे बनाना है, दिखाएगा फुल रेसिपी दिखाऊंगा आप लोगों को, इसको कैसे बनाना है, कैसे खाना है, आप लोग देखते रहिए। इसको ऐसे 5-10 मिनट साफ करना चाहिए, अभी उसको साफ हो जाएगा, अभी है गाइस, अभी साफ होने वाला है, पूरा साफ हो गया। चार चीजें बोला गया, चार चीजें सही है, चार चीजें खाने के लिए तो खराब लगेगा ना। आप लोग देखते रहिए, उसको पानी कैसे निकालना है, कैसे क्या करना है, आप लोग देखते रहिए। अगर ऐसे ही खाएगा तो पूरा पानी निकल जाएगा इसका। देख दोस्तों कैसे पानी निकल रहा है। ए गाइस, अभी तेल दे दिया है, अभी सरसों का तेल अभी गर्म होगा, उसके बाद ये प्याज देगा, और उसके बाद ये आधा रसून लास्ट में देगा, और ये मिर्ची का पीछा हुआ है उसको अभी फिर से डाल देगा। अभी उसको थोड़ा प्याज के उसको फ्राई करना है, फ्राई करके अभी दाली बॉईल हो रहा है, इधर कुकर में दे दिया है, धीरे धीरे आप लोग देखते रहिए लास्ट तक। ये तेल गर्म हो गया है, अभी अभी प्याज दे दिया है, अभी प्याज फ्राई हो जाएगा, अभी थोड़ा फ्राई करेगा प्याज को, और उसके बाद लकड़ी से बनाएगा तो बहुत टेस्टी होगा, ये हम लोगों का गांव का परंपरा है। थोड़ा ऐसे 2-1 मिनट तक फ्राई करेगा प्याज, और उसके बाद
जो हम लोगों का अच्छा चीज है ना, ये है ना, इसको अभी डाल देगा अभी दोस्तों। ये देखिए, इसको डालने के बाद पूरा आलू आलू फ्राई करेगा उसको। ये क्या है? ये दाल है। अभी फ्राई करने के बाद अभी दाल दे देगा। ये दाल दे दिया, मसूर का दाल है ये। अभी मसूर का दाल ये देखते रहिए, हम मसूर का दाल दे रहे हैं अभी। इधर मसूर का दाल भी दे रहे हैं और इधर में आपका अदरक रसून और हर काला मिर्ची जो पीस के रखा था वो भी दे रहा है अभी। नमक नहीं दे रहा है, नमक भी नहीं देगा धीरे धीरे। अभी थोड़ा उसको ऐसे हिलाएगा, हिलाने के बाद पूरा मिक्स हो जाएगा। अभी पानी दे देगा थोड़ा सा इसमें, अभी देखते हैं। पानी दे देते हैं, पानी डाल रहा हूँ। उसके बाद क्या देना है, उनको नमक देना है। नमक का डब्बा किधर है? ये नमक एक चम्मच दे दिया है, बनने लगेगा तो दे देगा। अभी उसमें और क्या देगा, हल्दी दे देगा। हल्दी हमने हल्दी डाल दिया है, हो जाएगा। Hours later, ready again. Ready हो गया। Okay, बुढ़िया, दुनिया उसे खाके इतना मजा लगेगा ना। ये गाय आप लोग भी खाइए, लीजिए लीजिए। मैंने भी हो गया हम लोगों का एक समूह। अभी हम खाएगा, देखिए बहुत स्वादिष्ट हुआ है। अंदर में जो निकलता है ना।